हेलो एवरीवन, आज शिवरात्रि व्रत स्पेशल में आज हम जो रेसिपी बनाने जा रहे हैं वो है एप्पल और डेट्स की खीर। ये खीर स्वाद और सेहत दोनों से भरपूर होती है। ये बहुत ही हेल्दी रेसिपी है और इस खीर को आप व्रत में एक बार बनाकर खा लेंगे तो आप पूरा दिन एनर्जी फील करेंगे और फ्रेश फील करेंगे। तो आइए देखते हैं कि इस डिलीशियस खीर को कैसे बनाते हैं। तो इसे बनाने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पर लिए हैं 2 मीडियम साइज़ के एप्पल और इन एप्पल को मैं यहाँ पर छील लूँगी, इनका छिलका उतार लूँगी। और यहाँ मेरे पास हैं 4 से 5 खजूर यानी डेट्स, इनको भी मैं बारीक चॉप कर लूँगी। तो सबसे पहले हम एप्पल के छिलके उतारेंगे और इन्हें कट कर लेंगे। और ये खीर टेस्टी डिलीशियस होने के साथ साथ इतनी ईजी है कि मिनटों में बनकर तैयार भी हो जाती है। तो हम इस तरह सारे एप्पल के छिलके उतार के इन्हें काट के बारीक कद्दूकस कर लेंगे। एप्पल की खीर बनाने के लिए हमें कुछ बातों का ध्यान रखना जरूरी है, जैसे कि एप्पल बिल्कुल भी फीके नहीं होने चाहिए और खट्टे नहीं होने चाहिए। फीके और खट्टे एप्पल होंगे तो हमारी खीर टेस्टी नहीं बनेगी और खीर फटने का भी डर रहता है। एप्पल हमेशा आप चेक करके ही लीजिए। तो यहाँ पर हमें मीडियम साइज़ से कद्दूकस करना है, ना ज़्यादा मोटे होने चाहिए और ना ही बिल्कुल हमें पीसना है। मीडियम से ही हमने कद्दूकस करना है, इसके मोटे मोटे लच्छे निकालने हैं। इस तरह से हम सारे सेब को इस तरह से लच्छे निकाल लेंगे। और इसके बाद हम लेंगे एक पैन में देसी घी। 2 चम्मच मैंने यहाँ पे देसी घी लिया है और इसमें हमें अपने एप्पल को पकाना है या फ्राई करना है। तो यह हमें एप्पल में सिर्फ मॉइस्चर ही निकालना है, बिल्कुल वो अच्छे से पक जाए, इसका मॉइस्चर सारा निकल जाए। हमें बहुत ज़्यादा इसे भूनना नहीं है। तो इस तरह से मैंने सारे एप्पल को पैन में डाला है और इसे 4-5 मिनट हम इसे हल्का सा रोस्ट करेंगे, भूनेंगे। इससे हमारा एप्पल सॉफ्ट हो जाएगा और एक इसमें अच्छा सा फ्लेवर, एक खुशबू आने लग जाएगी। तब तक ही हमें इसे भूनना है। और इसके बाद हमने डेट्स को भी बारीक चॉप कर लिया है। जब हमारा एप्पल भून के तैयार हो जाएगा तब हम इसमें डेट्स को भी ऐड करेंगे। तो यहाँ 4 से 5 डेट्स को मैंने यहाँ पर ऐड किया है। हम ये खीर शुगर फ्री बना रहे हैं तो एप्पल और डेट्स के बाद इसमें शुगर डालने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। ये इसी से ही हमारी खीर बिल्कुल मीठी बन के तैयार हो जाती है। तो आप अगर डायबिटिक हैं या आपको मीठा खाना पसंद नहीं है, आप शुगर फ्री खाना चाहते हैं, तो आप इस तरह से डेट्स डालकर इसको मीठा कर सकते हैं। और अब मैंने एक फ्रैपन में लिया है या 1/2 लीटर दूध। दूध आप अपने अकॉर्डिंग ज़्यादा भी ले सकते हैं। और इसमें मैंने ऐड की है 2 इलायची, 2 टेबलस्पून शुगर और इसके बाद मैंने ऐड किया है 2 टेबलस्पून समा के चावल यानी व्रत वाले चावल, जो हम व्रत में खाते हैं समा के चावल, वो इसको ऐड किया है मैंने इस खीर को गाढ़ा करने के लिए। और इसको डाल के हम इसे अच्छे से उबालेंगे 5 से 10 मिनट इसे गाढ़ा होने तक। यहाँ मैंने समा के चावल खीर को गाढ़ा करने के लिए ऐड किए हैं क्योंकि हम व्रत की खीर बना रहे हैं। अगर आप नॉर्मल डेट्स में इसे बनाते हैं तो आप नॉर्मल चावल या कंडेंस मिल्क वगैरह भी इसमें डाल के इसको गाढ़ा कर सकते हैं। दूध हमारा अच्छे से गाढ़ा हो जाए, बन जाए, पककर तैयार हो जाए, तभी हम इसमें अपने एप्पल और खजूर को मिक्स करेंगे। तो यहाँ पर मैंने, आप अगर ज़्यादा मीठा खाने चाहते हैं तभी आप शुगर ऐड कीजिए, अदरवाइज़ आप इसमें शुगर को अवॉइड भी कर सकते हैं। ये वैसे ही बहुत ज़्यादा मीठी बनकर तैयार होती है। दूध गाढ़ा हो जाए, बन जाए, उसके बाद गैस की फ्लेम को बंद करके थोड़ा सा ठंडा करके ही हम इसमें एप्पल ऐड करेंगे, नहीं तो इसमें खीर के फटने का डर रहता है। तो हम गरम गरम उबलते में एप्पल ऐड नहीं करेंगे, बाद में ही करेंगे। तो इसको मिक्स करने के बाद अब हम अपने पसंद के कोई भी इसमें ड्राई फ्रूट्स, काजू, बादाम, किशमिश वगैरह यहाँ पर ऐड कर सकते हैं और इसे सर्व करेंगे। तो यहाँ हमारी व्रत की एप्पल खीर डेट्स खीर बनकर तैयार है। इसे एक बार हम आप खा लेंगे तो आप पूरा दिन एनर्जी फील करेंगे। तो इसे हम सर्व करेंगे और इसमें कुछ ड्राई फ्रूट्स डालेंगे। ये खीर बच्चों के लिए, छोटे बच्चों के लिए भी बहुत ही हेल्दी रहती है, तो आप उनको भी बनाकर इसे दे सकते हैं। बहुत ही इजी रेसिपी है। और मेरी ये रेसिपी पसंद आई है तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए और कमेंट्स करके मुझे ज़रूर बताइए। तो ये देखिए कितनी गाढ़ी और रबड़ीदार हमारी खीर बनकर
तैयार है। मेरी तरह बताए ट्रिक्स को फॉलो करेंगे तो आपकी भी इतनी टेस्टी और डिलीशियस खीर बनकर तैयार होगी। तो इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें और आप इस खीर को किसी भी व्रत में, शिवरात्रि व्रत में, नवरात्रि व्रत में, एकादशी व्रत में, किसी भी व्रत में बनाकर तैयार कर सकते हैं और इंजॉय कर सकते हैं। और इसी तरह की हेल्दी और टेस्टी रेसिपीज़ देखने के लिए, सीखने के लिए मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।